हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे कुछ बेहतरीन अटैक्स TH-11 के। गाइस, अगर आप सीज मशीन्स पे डिपेंडेंट हैं TH-11 में, अगर आपसे 3 स्टार नहीं हो पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको 3 स्टार कैसे करना है, दैट टू विदाउट सीज मशीन्स। गाइस, देर किस बात की, चलो आप शुरू करते हैं। और वो भी TH-11 जो मैक्स टोर्ड बेसिस हैं, उन पर हम दिखाएंगे आपको अटैक विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को समझ पाएंगे कि कैसे 3 स्टार करें बिना सीज मशीन्स के। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी स्ट्रेटजीज हम आपके लिए लाते रहें। पहला अटैक दिखाएंगे आपको गाइस। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे जो CC ट्रूप्स यूज किए गए हैं वो भी मैक्स्ड आउट नहीं है। गाइस, यहाँ पे TH-11 के ट्रूप CC में हैं। तो चलो गाइस, अब हम अटैक को देखें। जो इसने ट्रूप्स लिए हैं वो हैं, क्वीन चार्ज किया है, साथ में ड्रैगन्स लिए हैं और एक इलेक्ट्रो ड्रैगन विद 5 रेजेस एंड 2 फ्रीज और एक पॉइजन स्पेल। यहाँ पे एक जाइंट डिप्लॉय किया गया है ताकि जो CC है उसको ल्योर किया जाए। और अब क्वीन चार्ज स्टार्ट कर दिया गया है। क्वीन की हेल्थ काफी कम हो गई है, अभी रेज पड़ेगा। रेज पड़ गया और सुपर गोबलिन्स, अगर थोड़ा लेट पॉइजन डाला इसलिए सुपर गोबलिन्स काफी डैमेज देंगे क्वीन को, लेकिन अभी क्वीन जो है वो रेज के अंदर है। तो और एक साइड से इलेक्ट्रो ड्रैगन डिप्लॉय किया गया है ताकि जो क्वीन की पाथिंग हो वो सही तरीके से वो क्वीन अंदर जाए। और इलेक्ट्रो ड्रैगन ने अच्छा फनल बनाया है साथ में दूसरी साइड से बेबी ड्रैगन ने। देखो गाइस, 5 रेजेस लिए गए हैं ताकि जो क्वीन है वो एंड तक रहे और ये पूरा कंपार्टमेंट जो है इन्फर्नोस का ये क्वीन ले पाए। गाइस, यहाँ पे किंग को डिप्लॉय किया गया है ताकि एक किंग लिया जाए, साथ में भी एयर डिफेंस और ड्रैगन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं जो, और CC में भी लोन्स हैं। क्वीन देखें आप गाइस, अभी तक क्वीन जिंदा है। अभी भी क्वीन की जो एबिलिटी है वो बाकी है। और अभी भी जो है ड्रैगन्स, 4 ड्रैगन्स अभी जिंदा हैं, साथ में जो क्वीन है वो भी अभी तक चार्ज कर रही है। और ये गाइस, ये बेस 3 स्टार हो गया। अब हम नेक्स्ट अटैक देखते हैं और विद डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ। गाइज, अब हम दूसरा अटैक देखते हैं और यहाँ पे दूसरा लेआउट है, वो भी फुली मैक्स्ड आउट TH-11। गाइज, अब बेस देखें, तगड़ा बेस है, तगड़ा डिजाइनिंग है इसका। तो इसमें जो ट्रूप्स लिए गए हैं वो है क्वीन चार्ज विद लोन्स, 17 लोन्स, 2 लावा हाउंड्स, साथ में 2 रेजेस, 1 हील, 1 स्केल्टन स्पेल, पॉइजन और 3 हेस्ट। चलो गाइस, देखते हैं कहां से शुरू होता है अटैक और कैसे ये 3 स्टार किया जाता है। गाइस, देखते हैं क्वीन चार्ज जो है वो स्टार्ट हो गया। अब मैन मोटो होगा इस क्वीन चार्ज का कि जो ईगल है उसको डाउन किया जाए, साथ में जो 2 एयर डिफेंसेस हैं और एक्सपोज हैं वो भी डाउन हो जाएं। सुपर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय किया गया है और जो क्वीन है वो सही डायरेक्शन में आई है और दूसरा सुपर वॉल ब्रेकर आया है और
अब जो क्वीन है वो कोर में चली जाएगी और ईगल है वो डॉन होगी है। देखो गाइस लालो इसने कहां से स्टार्ट किया है, अभी एक लावा हाउंड डिप्लॉय हुआ है। अभी दूसरा लावा हाउंड जो है डिप्लॉय किया गया साथ में, और जो देखिए स्केल्टन स्पेल है वो क्वीन पे और साथ में उसको फ्रीज किया गया है क्वीन को। अभी भी एक रेज बाकी है और जो वार्डन की एबिलिटी है वो भी अभी बाकी है। वार्डन की एबिलिटी दी गई है और साथ में रेज। गाइस देखें इस बेस में अब कुछ नहीं बचा है, जो कैनन्स हैं और एक आर्चर टॉवर रह गया है। और गाइस इसी के साथ ये अटैक 3 स्टार हो गया है, कितने बेहतरीन तरीके से ये अटैक किया गया है। आई होप गाइस आप भी ऐसे सीखेंगे कि कैसे 3 स्टार किए जाते हैं TH11 दैट टू विदाउट सीज मशीन्स। और गाइस अब हम नेक्स्ट अटैक देखते हैं विद डिफरेंट स्ट्रेटजी, और ये बेस भी फुली मैक्सड आउट है। और इसमें क्या अटैक किया गया है, बोविच विद 3 गोलम्स और 8 जो लाइटनिंग है, 2 अर्थक्वेक, 1 रेज, 1 पॉइजन। चलो गाइस अब हम शुरू करते हैं। यहां पे पहले 1 अर्थक्वेक डाला गया है, साथ में 4 लाइटनिंग, लेकिन गाइस यहां पे इन्फर्नो टॉन नहीं हुआ, फिर भी देखते हैं कैसे 3 स्टार होता है। यहां पे जो इन्फर्नो टॉवर है और साथ में आर्चर टॉवर वो डॉन हो गए हैं। गाइस यहाँ से 2 गोलम्स और साथ में विचेस और हीरोज डिप्लॉय किए गए, और पीछे बॉलर्स, और जो सीसी में था वो लावा हॉर्न निकला है, और एक साइड से जहाँ पे टेस्ला फॉर्म है वहाँ पे 1 गोलम और पीछे कुछ विचेस हैं। अभी जो सीसी है, सीसी में देखते हैं क्या ट्रूप्स होंगे और ईगल कैसे डाउन होती है, क्योंकि जंप जो है वो भी नहीं लिया गया है। सीसी में है वो हॉग्स हैं, और पूरी तरीके से एक साइड से क्लियर करके जो हॉग्स आए वो सीधा ईगल को टारगेट किया है उन्होंने। यहाँ पे जो गाइस काफ़ी हैवी डैमेज है, क्योंकि 3 एक्सपोज हैं और विजार्ड टावर हैं, आर्चर टावर है, लेकिन अभी क्वीन की जो है एबिलिटी है, और काफ़ी विचेस भी बाकी हैं। और इसके साथ गाइस ये बेस भी जो है 3 स्टार हो गया। गाइस आई होप आप ये सीख लेंगे कि कैसे 3 स्टार किए जाते हैं TH11 सीज मशीन्स के बिना। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हम नेक्स्ट अटैक देखते हैं। गाइज अब हम नेक्स्ट अटैक देखते हैं, वो भी हाइब्रिड अटैक, लेकिन विद 6 लाइटनिंग, 2 हील, 1 रेज, 1 अर्थक्वेक। गाइज 15 माइनर्स और 10 हॉग राइडर्स। देखते हैं गाइज, और बेस भी तगड़ा लेआउट है और इसमें सिंगल इन्फर्नो है, और लाइटनिंग से क्लैन कैसल उसको डाउन किया गया है और क्वीन चार्ज स्टार्ट किया गया।
और क्वीन जो है वो सही डायरेक्शन में गई है, और ताकि जो पार्ट है पूरा इसको ले पाए क्वीन। और साथ में देखा जाएगा कि जो इन्फर्नो है सिंगल, और साथ में ईगल आर्टिलरी भी एक्टिवेट हो गई है। और माइनर्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया साथ में हॉग राइडर्स, और सीसी में जो हैं वो भी हॉग्स हैं, लेवल सेवन के हॉग्स डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि जो ये सभी अटैक्स जो किए गए हैं इसमें मैक्स ट्रोप यूज नहीं किए गए। अभी एक हील बाकी है गाइस, और साथ में ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी। और दूसरा हील डिप्लॉय किया गया है गाइस यहाँ पे, क्योंकि बम टावर है साथ में विजार्ड टावर था, और इस बेस में आप कुछ बचानी है, और साथ में जो क्वीन की एबिलिटी है वो दी गई है, और ये बेस 3 स्टार होने को है। गाइस एक और 3 स्टार विद डिफरेंट स्ट्रेटजी। गाइस मोस्टली जो हाइब्रिड अटैक किए जा रहे हैं आजकल उसमें 2 रेज या 3 रेज लिए जाते हैं विद हील, लेकिन यहाँ पे सीसी को डाउन किया गया पहले, और 2 हील 1 रेज लेके 3 स्टार अटैक। गाइस एक और अटैक देखते हैं विद डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ। गाइस वो है 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, 27 हॉग राइडर, 1 आइस गोलम, और जो स्पेल्स हैं वो 6 लाइटनिंग, 3 हेल और 1 अर्थक्वेक। चलो गाइस अब शुरू करते हैं। गाइस मैक्स टोड बेस है ये तो, और लेआउट भी तगड़ा है, तो देखते हैं कैसे इसको 3 स्टार किया जाता है। देखो गाइस पहले इसको सीसी को डाउन किया गया है, और साथ में जो 2 एक्सपोज थे सीसी के साथ वो भी डाउन हो गए, क्योंकि वो लाइटनिंग के रडार में थे तो वो सभी डाउन हो गए। और एक किंग एक साइड से डिप्लॉय किया गया है, दूसरी साइड से आइस गोलम। देखते हैं इस बेस पे कैसे 3 स्टार होता है। गाइस स्पीड अप करते हैं, हम जल्दी से ये अटैक देख लेते। और यहाँ पे एक इन्फर्नो लिया गया है क्वीन के तरफ से। अब देखते हैं जो हैं हॉग डिप्लॉय किए गए हैं, 27 हॉग राइडर्स। अभी एक हील दिया गया है, एक ही हील बचा था, तो देखते हैं अभी और देखते हैं 3 स्टार होता है कि नहीं। अभी बहुत सारे जो हैं हॉग राइडर्स बचे हैं, और विजार्ड टावर, और ये गाइस हो गया 3 स्टार अटैक। गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।